अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ क्लास 8। चैप्टर क्या होगा? चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 होगी, जिसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है? एक्सरसाइज 1.2 में 1.2 के पहले क्वेश्चन में कह रहा है रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर्स लाइन। दो क्वेश्चन अलग अलग दिया हुआ है। एक नंबर 7/4 है, दूसरा -5/6 है। कह रहा है ये दोनों नंबर जो रेशनल नंबर है इसको नंबर लाइन पे क्या करना है, दिखाना है। तो पहला आपके लिए छोड़ करके दूसरा वाला मैं बता देता हूँ। फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्या है? -5/6। पहला वाला आप कर लेंगे जिस तरीके से सेकंड वाला मैं बता रहा हूं उसी तरीके से बिल्कुल आप पहला वाला कर लेंगे। एक लाइन खींचेंगे, उस पे नंबर लाइन शो करेंगे। आपको पता है यहां 0 होता है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरीके से हम बढ़ते चले जाते हैं। इधर जब आएंगे दूसरी साइड में तो इधर का 0 के बाई साइड में -1, -2, -3, -4, -5 इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, -6, -7 होता चला जाएगा। एकदम गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर, इससे पहले इंटीजर्स होता था, अब रेशनल नंबर जितना भी नंबर है सबके अपान में आप सीख लेगा। 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 है ना, 5/6, 6/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 या आगे बढ़ेंगे -6/6 होगा। तो हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, किसको दिखाना है? -5/6 कहाँ है? हम देख रहे हैं -5/6 यहाँ है। हम इसको क्या कर देंगे? सर्किल कर देंगे। ये हमारा क्या रहा? -5/6। इसी तरीके से आप पहले 0 इधर लिखेंगे दाहिनी साइड, राइट साइड में 1, 2, 3, 4 लिखते चले जाएंगे। सब हर नंबर के नीचे अपन 4/4 लिखते चले जाएंगे, 4/6 सबके अपान में क्या लिखते चले जाएंगे, 4/4 लिखते चले जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जहां 7/4 आएगा वहां सर्किल कर देंगे, आपका पहला वाला हो जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे तीन नंबर को दिखाना है एक साथ। अभी तो एक नंबर को हम एक बार दिखा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें हैं कि इतने सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, एक साथ दिखाएंगे तीन नंबर को। नंबर क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? नंबर हमारा है -2/11, -5/11, -9/11। तो हमको 9 तक जाना है, थोड़े से यहाँ डिस्काउंट करके यहाँ 0 मान लेते हैं। यहाँ 1, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे 5, 6 इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और यहाँ आएगा -9। हमको -9 तक ही आना है, -9 तक। अब जितना भी नंबर दिया हुआ है सबके अपान में क्या कर देंगे, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11 होगा, -6/11 होगा, 7/11 होगा, 8/11 होगा, 9/11 होगा। इसी तरीके से 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 हो जाएगा। पहला नंबर क्या है हमारा? -2/11 कहाँ रहा है? यहाँ, इसको यहाँ दिखा देंगे कि -2/11 यहाँ, -5/11 यहाँ से आएंगे, -5/11 यहाँ आएगा, फिर -9/11 कहाँ होगा? यहाँ। तो ये तीनों नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला आप लिख लेंगे, आपका 2 तक हो जाएगा। 3 वाला देखिए,
कह रहे राइट फाइव रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन टू, कह रहे हैं कि फाइव रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो स्मॉलर देन टू, जो टू से क्या हो, स्मॉलर मीन्स छोटे हो, टू से छोटे हो। तो क्वेश्चन नंबर थ्री यही लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर टू से क्या हो, स्मॉलेस्ट हो, तो आप यहाँ टू से स्मॉलेस्ट क्या हो, टू से स्मॉलेस्ट वन होगा, जीरो होगा, फिर माइनस वन होगा, माइनस टू होगा, माइनस थ्री होगा, माइनस फोर होगा, लिखते चले जाएंगे। फाइव पूछ रहा है तो ये फाइव रेशनल नंबर हो गए, वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये हमारे पांच क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर होंगे जो टू से क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, स्मॉलर देन होंगे। तो थ्री वाला टू से छोटा वन है, जीरो है, माइनस वन भी छोटा है, माइनस टू भी छोटा है, माइनस थ्री भी छोटा है। माइनस थ्री क्यों छोटा है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और माइनस अगर किसी नंबर पे लगा हुआ है, नंबर जितना भी बड़ा होता है दूसरे वाले नंबर छोटा, जैसे माइनस थ्री है माइनस टू है, इसमें कौन बड़ा है, माइनस टू बड़ा है, माइनस थ्री छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा थ्री वाला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर इसमें कह रहे फाइंड द टेन रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू अपॉन फाइव एंड वन अपॉन टू, माइनस टू अपॉन फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव फोर में एकदम गौर से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फोर की तरह क्वेश्चन नंबर फाइव भी है। अगर टू वाला अगर फोर वाला आप अच्छे समझ लेंगे तो फाइव का जो भी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, नंबर्स क्या है, माइनस टू अपॉन फाइव है और दूसरा नंबर क्या है, वन अपॉन टू। गौर से देखिए, यहाँ फाइव है, यहाँ टू है, यहाँ अगर हम जब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते थे, ऐड करते थे, उसी तरीके से हम फाइव और टू का एलसीएम लेंगे, फाइव और टू का एलसीएम लेंगे क्या होगा, टेन हो जाएगा, फाइव टू जा टेन, फाइव से टेन में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगी, टू बार जाएगी, टू का टू में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, फोर आ जाएगा, प्लस नहीं लगाएंगे, सिर्फ कामा लगाएंगे, टू का टेन में डिवाइड करेंगे, टू से टेन में डिवाइड करेंगे, फाइव होगा, फाइव वन जा फाइव हो जाएगा। तो इस तरीके से अब अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो पहला नंबर हमारा माइनस फोर अपन टेन हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, फाइव अपन टेन हो जाएगा, यही ना। अब हमको क्या फाइव रेशनल नंबर मिल जाएंगे इनके बीच में, नहीं मिलेंगे, अगर सिर्फ एट होते तो मिल जाते, यहाँ ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, दोनों रेशनल नंबर में टू टू से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। माइनस फोर टू जा कितना होगा, माइनस एट अपॉन टेन टू जा ट्वेंटी होगा, दूसरा क्या होगा, फाइव टू जा टेन होगा, टेन टू जा कितना होगा, ट्वेंटी होगा, हो गया। अब माइनस एट एट अपॉन ट्वेंटी है तो यहां से शुरू कर लेते हैं, माइनस सेवन अपॉन ट्वेंटी, माइनस सिक्स अपॉन ट्वेंटी, माइनस फाइव अपॉन ट्वेंटी, माइनस फाइव अपॉन माइनस फोर अपॉन ट्वेंटी और माइनस थ्री अपॉन ट्वेंटी होगा, माइनस टू अपॉन ट्वेंटी होगा और माइनस वन अपॉन ट्वेंटी होगा, फिर जीरो होगा और क्या होगा, जीरो होगा, फिर वन अपॉन ट्वेंटी होगा, टू अपॉन ट्वेंटी होगा, आगे बढ़ेंगे थ्री अपॉन ट्वेंटी होगा, कितना हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन हो गया। तो जितना भी इसी तरीके से आगे आप जाएंगे, थ्री अपॉन ट्वेंटी, फोर अपॉन ट्वेंटी, फाइव अपॉन ट्वेंटी, सिक्स अपॉन ट्वेंटी, सेवन अपॉन ट्वेंटी, एट अपॉन ट्वेंटी, नाइन अपॉन ट्वेंटी, ग्रेड डालेंगे, जितना भी नंबर होगा वो हमारे क्या आएगा, इस रेशनल नंबर के बीच में आएगा। तो इस तरीके से आपका फोर वाला हो जाएगा। थ्री वाला फाइव में एक एक में और बता देता हूँ, थ्री वाले में यही बता देता हूँ, थ्री में दो रेशनल, क्वेश्चन नंबर फाइव में दो रेशनल नंबर दिए, वन अपॉन फोर है और वन अपॉन टू, वन अपॉन फोर और वन अपॉन टू, कह रहे हैं कि इनके बीच में कितना रेशनल नंबर, फाइव। जिस तरीके से आपने इसमें एलसीएम लिया ना, उसी तरीके से इसमें फोर और टू का एलसीएम निकालेंगे तो फोर ही है, फोर से फोर में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, फोर से फोर में डिवाइड करेंगे वन, क्या आएगा, वन आएगा, वन वन जा वन, टू से फोर में डिवाइड करेंगे क्या होगा, टू होगा, टू वन जा टू, एक नंबर हमारा आएगा वन अपॉन फोर, दूसरा टू अपॉन फोर, बिल्कुल कंडीशन वही हो रही है कि हमारा वन अपॉन फोर टू अपॉन फोर। यहाँ अगर हम ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करें
तब भी नहीं होगा, अगर थ्री से करवा लें तब भी नहीं होगा, फोर से ही करवा लेते हैं, फोर से करवाएंगे तब भी, फाइव से करवा लेते हैं, फाइव ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाई फाइव, मल्टीप्लाई बाई फाइव यहाँ होगा, मल्टीप्लाई बाई फाइव यहाँ होगा, वन पिज्जा फाइव, फोर पिज्जा ट्वेंटी होगा, और यहाँ टू पिज्जा टेन होगा, और फोर पिज्जा कितना होगा ट्वेंटी होगा, हो जाएगा सिक्स सेवन एट नाइन टेन, अभी भी नहीं हो रहा है, यहाँ सिक्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, अभी चार ही मिला था हमारा रिश्ते, इसीलिए हम यहाँ सिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिक्स से करवाएंगे, बस सिक्स जा सिक्स, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, टू सिक्स जा ट्वेल्व, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, अब हमारा पांच रिश्ते लगभग इनके बीच में मिल जाए, यही नीचे हम लिख देते, नीचे लिख देते, नंबर क्या आया, सिक्स अपॉन ट्वेंटी फोर है, सिक्स के बाद क्या आया, सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर, एट अपॉन ट्वेंटी फोर, नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर, टेन अपॉन ट्वेंटी फोर और इलेवन अपॉन ट्वेंटी फोर, ये हमारा पांच एडिशनल नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव में इसके बीच में हो जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव में वन और टू को आप कंप्लीट कर लेंगे, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा राइट फाइव रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन माइनस टू, कह रहे आपको पांच रेशनल नंबर बताने हैं जो किससे ग्रेटर हो, माइनस टू से, तो जब आप नंबर लाइन खींचते हैं यहाँ जीरो होता है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री होता है, इधर वन होता है, इधर टू होता है, इधर थ्री होता है, यहाँ फोर होता है, यहाँ फाइव होता है, गॉस रेखा इसी नंबर लाइन पे ही आपकी समझ में आ जाएगा, सिक्स में किसकी बात कर रहे हैं, माइनस टू, जितना आप राइट साइड में जाएंगे उतना नंबर ग्रेटर होता चला जाता है, ये आपको पता है, यहाँ माइनस टू से कह रहे हैं ग्रेटर क्या है, माइनस वन ग्रेटर है, जीरो भी ग्रेटर है, वन भी ग्रेटर है, टू भी ग्रेटर है, थ्री भी ग्रेटर है, तो यही बात कह रहा था कि पांच रेशनल नंबर बताइए जो माइनस टू से क्या हो ग्रेटर हो, तो वो पांच नंबर थ्री होगा, फोर, आगे बढ़ते जाएंगे जितना भी कहेगा वो उससे ग्रेटर होते चले जाएंगे, ये हमारे पांच क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर होंगे जो माइनस टू से क्या होंगे, ग्रेटर हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपका सिक्स वाला हो जाएगा, सेवन में भी वही कह रहा है कि फाइंड टेन रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री अपॉन फाइव एंड थ्री अपॉन फोर, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर फाइव हमने बताया है इसी को समझ करके क्वेश्चन नंबर सेवन आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल वही चीज निकालनी है, बीच का रेशनल नंबर निकालना, तो आप उम्मीद है कि सेवन वाला भी आप कंप्लीट कर देंगे, तो अगर सेवन तक कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज क्या होगी, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और फर्स्ट चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, लेकिन आप जरूरी से जो भी आपको बताया जाता है आप बिल्कुल अच्छे से गौर से आप उसको देखेंगे, समझेंगे, और जो जितना भी बताया जाता है एक बार खुद से करेंगे तभी आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर बता दिया जाएगा आपको, बस आज के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह।